साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देश भर में 15 अगस्त के दिन को मनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। इस बार आजादी का दिन और भी खास होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा की है। वहीं यूपी में तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं, जिसकी वानगी आगरा जेल में देखने को मिली है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। हम आजादी के 75 वर्ष यानी की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव को और भी शानदार बनाने के लिए सरकार की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान चलाने का संकल्प लिया गया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा संकल्प इस बार 4 करोड़ से भी ज्यादा घरों पर तिरंगा लहराने का है। इनमें से 2.5 करोड़ से ज्यादा तिरंगे एमएसएमई सेक्टर के लोगों के तरफ से लिए जाएंगे। वहीं इस अभियान को और बेहतर करने के लिए उत्तर प्रदेश का कारागार विभाग भी लग चुका है। दरअसल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आगरा जेल की है, जहां पर महिला बंदियों की तरफ से तिरंगे को बनाकर कारागार प्रशासन को सौंपा जा रहा है, ताकि इसका इस्तेमाल हर घर तिरंगा अभियान में हो सके। वही इसकी जानकारी खुद डीजी जेल आनंद कुमार ने ट्वीट करके दी है। बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए पूरा देश तैयार है, लेकिन इस बार जो नजारा होगा आजादी के अमृत महोत्सव का, वो कुछ अलग होगा, जिसको देखने के लिए पूरा देश टकटकी लगाए बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।